आज हम संसाधन की संकल्पना तथा उसके संघटकों कंपोनेंट्स के बारे में विवेचना करेंगे। संसाधन कोई ऐसी वस्तु अथवा विशेषता होती है जो मानव के लिए उपयोगी होती है। मानव के लिए उपयोगिता रखने वाले संसाधनों में विभिन्न भौतिक पदार्थ, ऊर्जा के संसाधन, सांस्कृतिक तत्व, मनुष्य का ज्ञान, मानवीय अभिक्षमताएं आदि को गिनाया जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान जेम्स फिशर के अनुसार ऐसी कोई वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है संसाधन कहलाती है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा मानव की इच्छाओं की पूर्ति, मानव की आवश्यकताओं को अगर मूलभूत रूप में देखें तो हम रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं मान सकते हैं। मनुष्य के लिए भोजन, रहने के लिए आवास, पहनने के लिए जलवायु और पर्यावरण से सुरक्षा के लिए कपड़े इत्यादि हमारे संसाधन हैं, क्योंकि ये सभी मानव के लिए उपयोगी हैं, उपयोगिता रखते हैं। मानव की आवश्यकताओं के अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले वस्तुओं अथवा विशेषताओं को भी हम संसाधन कहते हैं। मानव की इच्छाएं, उदाहरण के लिए उच्चतर जीवन का स्तर निर्धारित करने वाले तत्व भी हमारे संसाधन कहलाएंगे। एक अच्छे जीवन के लिए मनुष्य विभिन्न सुविधाओं का उपभोग करता है। ऐसी सुविधा युक्त जीवन की इच्छा रखने में तथा इच्छा की पूर्ति करने में सहायक जो वस्तुएं अथवा विशेषताएं हैं वो भी संसाधन कहलाएंगी। संसाधन की सत्ता अथवा अस्तित्व उसके मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। इसलिए संसाधन व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं। व्यक्तिनिष्ठ संसाधनों में किसी व्यक्ति अथवा समाज के स्वास्थ्य का स्तर, उसके कार्य करने की क्षमता, उसका ज्ञान, समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं आदि को गिनाया जा सकता है। एक व्यक्ति के लिए उसका ज्ञान, उसके व्यक्तिगत हुनर जैसे गाने की अभिक्षमता भी उसके लिए एक व्यक्तिनिष्ठ संसाधन का उदाहरण होती है। आदमी, कोई व्यक्ति अच्छा गाकर अपने लिए पैसे कमा सकता है, इसलिए उसका अच्छा गायन करने की क्षमता भी उसके लिए संसाधन हो जाती है। वस्तुनिष्ठ संसाधनों में हम अपने चारों ओर पर्यावरण में स्थित प्राकृतिक पदार्थ या मानव निर्मित पदार्थों को गिना सकते हैं। इस प्रकार संसाधनों को व्यक्तिनिष्ठ, जो व्यक्ति या समाज की विशेषताओं से जुड़े हैं, तथा वस्तुनिष्ठ, दो वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान E.W. जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति
उन्हें यानी संसाधनों को मानव की आवश्यकताएं एवं क्षमताएं उपयोगिता प्रदान करती हैं। अगर मनुष्य को किसी भी प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए वह किन्हीं पदार्थों अथवा व्यक्तिगत या सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का उपयोग करता है। इसलिए मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली ऐसी सभी वस्तुएं विशेषताएं संसाधन हो जाती हैं। संसाधनों को बनाने में मनुष्य की क्षमताओं की केंद्रीय भूमिका होती है। मनुष्य की क्षमता से तात्पर्य मनुष्य के तकनीकी ज्ञान और वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के अधिक उपयोगी तत्वों में पदार्थों में बदलने की क्षमता से है। इसीलिए जिमरमैन ने मानव की आवश्यकताओं और क्षमताओं को संसाधनों के उत्पत्ति का आधार माना। संसाधन का तात्पर्य किसी वस्तु मात्र से नहीं होता है। वस्तु या पदार्थ अपने आप में संसाधन हो सकते हैं, लेकिन कोई भी वस्तु या मनुष्य की कोई भी विशेषता उसी समय संसाधन बन पाती है जब वह मनुष्य के लिए कोई उपयोगी कार्य करके दिखाए, कोई संक्रिया ऑपरेशन या फंक्शनलिटी कार्यात्मकता के गुणों पर खरी उतरे। इसलिए संसाधनों के निर्धारण में दो विशेषताओं की गणना की जाती है। दो विशेषताएं संसाधनों का आधार होती हैं। प्रथम, उनकी क्रियात्मकता। संसाधन मनुष्य के लिए कोई ना कोई कार्य संपन्न करते हैं, और चूंकि संसाधन मनुष्य के लिए कोई ना कोई कार्य संपन्न करते हैं, उसकी इच्छाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए संसाधन मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अतः कार्यात्मकता एवं उपयोगिता संसाधनों की दो विशेषताएं हैं, दो केंद्रीय विशेषताएं हैं। कोई वस्तु संसाधन अथवा संसाधन का अर्थ एवं महत्व तभी ग्रहण कर सकती है जब वह मनुष्य के प्रयासों के फलस्वरूप, उसकी क्षमताओं के फलस्वरूप किसी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, मनुष्य की आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बन जाती है, पूर्ति करने लगती है। उदाहरण के लिए नियाग्रा जलप्रपात यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के लिए जल विद्युत प्रदान करता है। दूसरी ओर अफ्रीका का स्टानले जलप्रपात जो कि कोंगो नदी पर स्थित है, केवल एक जलप्रपात के रूप में ही प्रवाहित होता है। इसके जल का प्रयोग जल विद्युत बनाने में अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए एक जलप्रपात अर्थात नियाग्रा यूएसए तथा कनाडा के लिए संसाधन के रूप में है, जबकि स्टानले जलप्रपात अफ्रीका में उससे भी अधिक आयतन युक्त, अधिक मात्रा में जल के प्रवाह से युक्त होते हुए भी संसाधन के रूप में विकसित नहीं हो पाया है, नहीं किया जा सका है। अतः संसाधन की संकल्पना स्थान और समय के अनुसार परिवर्तनशील होती है। कोई वस्तु एक स्थान पर संसाधन के रूप में अवस्थित हो सकती है, जबकि वही वस्तु किसी दूसरे स्थान पर
एक उदासीन तत्व या न्यूट्रल स्टफ के रूप में ही मौजूद रह सकती है। इसलिए समय के अनुसार भी कोई वस्तु संसाधन का रूप ग्रहण कर सकती है। जैसे जैसे मनुष्य की तकनीकी क्षमताएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे संसाधन की मात्रा उदासीन तत्वों से परिवर्तित होकर संसाधनों का रूप ले लेते हैं। विभिन्न प्रकार के तत्व पदार्थ विशेषताएं उदासीन तत्वों से संसाधनों में परिवर्तित होती रहती हैं। तो संसाधनों की संकल्पना समय और स्थान के अनुसार परिवर्तनशील होती है। संसाधनों के निर्माणकारी तत्व तीन रूप में होते हैं। तीन तत्व मिलकर संसाधनों का निर्माण करते हैं, एक प्रकृति, दूसरा मानव तथा तीसरा मानव की संस्कृति। प्रकृति विभिन्न प्रकार के भौतिक पदार्थ हमें उपलब्ध कराती है। ये भौतिक पदार्थ मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होते हैं अथवा हो सकते हैं। प्रकृति से हमें विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्रकार की फसलें एवं उत्पाद प्राप्त होते हैं। मनुष्य अपनी तकनीकी ज्ञान अर्थात सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रयोग करके इन प्राकृतिक वस्तुओं को अधिक उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए प्रकृति में उपलब्ध लो अयस्क का प्रयोग करके मनुष्य इस्पात एवं अन्य अलॉय धातुओं का निर्माण करता है, सम्मिश्र धातुओं का निर्माण करता है। मनुष्य इस संसाधन की संकल्पना में केंद्रीय भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु अथवा विशेषता संसाधन के रूप में तभी अर्थ ग्रहण करती है जब वह मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। मनुष्य अपनी क्षमताओं एवं तकनीकी अभिक्षमता के आधार पर इन प्राकृतिक पदार्थों अथवा तत्वों को उपयोगी संसाधनों में बदलता है। इसलिए प्रकृति, मानव एवं संस्कृति संसाधन के तीन संघटक हैं। यह बात भी स्मरणीय है कि ये तीनों संसाधन के तत्व अथवा संघटक संसाधन निर्माणकारी कारक भी हैं। जो स्वयं संसाधन है वे संसाधनों का निर्माण करने में भी सहायक हैं। अतः प्रकृति स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति में विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं, मानव के लिए उपयोगी वस्तुएं पदार्थ उपलब्ध होती हैं। लेकिन प्रकृति विभिन्न संसाधनों के निर्माण में भी सहायक होती है। प्रकृति में उपलब्ध मृदा एवं जल का उपयोग करके मनुष्य विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त करता है। इसलिए प्रकृति संसाधन निर्माण में सहायक हुई। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य को ट्रेनिंग, शिक्षा एवं तकनीकी क्षमताएं प्रदान करके और उपयोगी उत्पादक संसाधन के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य अपनी तकनीकी क्षमताओं के प्रयोग द्वारा प्राकृतिक पदार्थों से विभिन्न प्रकार के संसाधन भी निर्मित करता है। इसलिए मनुष्य भी स्वयं एक संसाधन है और संसाधनों के निर्माण का आधार भी है। तीसरा संसाधन निर्माणकारी तत्व प्रकृति संस्कृति है। संस्कृति अथवा कल्चर मानव के तकनीकी ज्ञान, उसकी क्षमताएं, उसकी सामाजिक संगठन की विशेषताएं आदि को समाहित करती है। अगर केवल
तकनीकी क्षमता को संस्कृति का प्रतिनिधि मानकर चलें तो मानव की संस्कृति अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि मानव अपनी तकनीकी क्षमता का प्रयोग अपने जीवन को अधिक विकसित करने के लिए करता है। लेकिन मानव द्वारा विकसित तकनीक अथवा संस्कृति अन्य संसाधनों के निर्माण एवं विकास में भी सहायक है। मनुष्य के पास उपलब्ध विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताएं, तकनीकी क्षमताएं, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन अथवा अधिक विकसित संसाधन बनाने में उपयोगी सिद्ध होती है। इसलिए मनुष्य अथवा मानव प्रकृति तथा संस्कृति ये तीनों संसाधनों के स्वरूप भी हैं और संसाधन निर्माणकारी कारक भी हैं।